आज मैं बनाने वाली हूँ सुपर डिलीशियस ग्रेवी वाली मिक्स वेजिटेबल की सब्जी। ये सिंपल सी वेजिटेबल के साथ बनी हुई सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। घर पर कोई भी पार्टी या फंक्शन हो तब आप इस सब्जी को घर पर बनाइए, सभी इसे खाने के बाद उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सब्जी बनाने के लिए मैं पैन में ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच ऑयल। इसे गर्म करके इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज। प्याज को बिल्कुल ऐसे पतली स्लाइस में कट करके लीजिए, क्योंकि हम इन्हें भूनकर सुनहरा सा करने वाले हैं। जब प्याज ऐसी पतली स्लाइस में कटे होते हैं तो ये अच्छे से भून जाते हैं। गैस का फ्लेम हाई करके आप इन्हें लगातार चलाते हुए भून लीजिए। यहाँ हमें प्याज को एकदम सुनहरा सा कर लेना है। थोड़ी देर भूनने के बाद देखिए प्याज हल्के हल्के क्रिस्पी हो रहे हैं और इनका जो कलर है वो भी डार्क हो रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह इन्हें भूनते जाइए। सब्जी के लिए हमें इन्हें सुनहरा सा कर लेना है। थोड़ी देर में ही देखिए प्याज पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इस तरह से जब प्याज को सुनहरा सा करके इसकी ग्रेवी बनाते हैं तो ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें डाल दीजिए 10 से 15 काजू और 2 से 3 काश्मीरी लाल मिर्च। इससे सब्जी में अच्छा कलर आएगा और सब्जी ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगी। 1 मिनट इन्हें भी प्याज के साथ भून लीजिए। यहाँ मिर्ची और काजू को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, तो आप इन्हें बाद में ही डालिए। अब देखिए प्याज का कलर कितना बढ़िया आ गया है। काजू और मिर्ची को भी हमने हल्का सा भून लिया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद ही हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। जब ये पूरा ठंडा हो जाए तब इसे जार में निकाल लीजिए। इसे ग्राइंड करके हम इसका पेस्ट बनाने वाले हैं, जिसे हम सब्जी में यूज करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिए ताकि ये अच्छे से ग्राइंड होगा। इन्हें पीसने के बाद कुछ इस तरह का थिक पेस्ट हमें बना लेना है। इससे जब हम सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम सब्जियों को हल्का सा सोते करेंगे। इसके लिए 1 चम्मच गरम ऑयल में मैं डाल रही हूँ वेजिटेबल्स। यहाँ मैंने ली है लंबी कटी हुई बीन्स और गाजर। इस मिक्स वेजिटेबल सब्जी को बनाने के लिए आपको जो भी सब्जी पसंद हो वो आप यहाँ पर ले सकते हो। जितनी भी सब्जियाँ हम इसमें डालेंगे पहले उन्हें ऑयल में ऐसे सोते कर लेंगे। अब डालेंगे फूल गोभी, इसे भी पका लीजिए। गाजर बीन्स को पकने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है तो मैंने उन्हें पहले डालकर भूना है। गोभी को भी मैंने छोटे पीसेस में कट करके लिया है ताकि इनका कच्चापन भी जल्दी से निकल जाए। अब जाएंगे थोड़े से हरे मटर और थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च। इन दोनों को ही पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए मैंने इन्हें लास्ट में डाला है। सब्जियों को अगर हम एक साथ डालकर सोते करते हैं तो कुछ सब्जियां इसमें कच्ची रह जाती है और कुछ ओवरकुक हो जाती है। सभी सब्जियों को हमें एक जैसा पकाना है, इसलिए मैंने इन्हें एक के बाद एक डालकर पकाया है। इसमें चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल दीजिए और 1/4 चम्मच नमक डाल दीजिए। इन्हें डालने से सब्जियों का कलर भी अच्छा आएगा और सब्जियां भी नरम पड़ जाएगी। तो बस इन्हें 1 मिनट और पैन में चलाते हुए कुक कर लीजिए। सभी सब्जियों का कच्चापन निकल गया है, बाकी की जो कसर है वो ग्रेवी के साथ पकाएंगे तब निकल जाएगी। इन्हें भी हम निकाल कर साइड में रख देंगे। अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पैन में मैं फिर से ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच ऑयल। इसे गर्म करके इसमें डालिए 1/2 चम्मच जीरा। थोड़े से खड़े मसाले मैं यहाँ डाल रही हूँ, जैसे 1 तेज पत्ता, बड़ी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी और 2 छोटी इलायची। इन्हें डालकर जब हम सब्जी बनाते हैं तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है। 1.5 चम्मच भरकर मैं यहाँ ले रही हूँ बारीक कटी हुई लहसुन और अदरक। यहाँ पर आप इनका पेस्ट भी बनाकर ले सकते हो, मैंने तो इन्हें एकदम बारीक कट करके लिया है। इन सभी को 10 सेकेंड ऑयल में चला लीजिए, जिससे इनका जो फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाएगा। लहसुन हल्की सी सुनहरी सी हो गई है, तो अब गैस का फ्लेम लो करके इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। मसालों को आप लो फ्लेम पर ही डालिए, जिससे ये जलेंगे नहीं।
इन्हें एक बार ऑयल में मिला दीजिए। अब जाएगी इसमें टोमेटो प्यूरी। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को ग्राइंड करके लिया है। इसे भी मसालों में मिलाते हुए पका लीजिए। इस सब्जी में हम अलग तरह से ग्रेवी बना रहे हैं। इसका स्वाद बिल्कुल शादियों में बनने वाली सब्जी जैसा आता है। मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद ग्रेवी में जब ऐसे उबाल आने लग जाए तब इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज का पेस्ट जो हमने शुरू में बनाया था। इसे भी ग्रेवी में चलाते हुए मिक्स कर लीजिए। इस पेस्ट में हमने प्याज को भून कर लिया था तो इसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। बस ग्रेवी में मिक्स करके इसमें से ऑयल सेपरेट होने तक इन्हें कुक कर लीजिए। ये जो ग्रेवी आज इस सब्जी में हम बना रहे हैं इसमें प्याज टमाटर और काजू का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सब्जी जो है वो बहुत ही लाजवाब बनती है इस ग्रेवी से। यहाँ मैं इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब फ्रेश कुकिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये सब्जी में बढ़िया क्रीमी टेक्सचर देगी और जो ग्रेवी है वो बहुत ही क्रीमी बनेगी। इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब 2 मिनट इसे कवर कर देंगे जिससे इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होकर सरफेस पर आ जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट ग्रेवी को कुक कर लीजिए। ये देखिए ग्रेवी में से सारा ऑयल अलग हो गया है। इससे पता चलता है कि हमारी ग्रेवी अच्छी पक गई है। अब इसमें जाएगी सभी सोते की हुई वेजिटेबल्स, साथ ही में डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और ये आधा चम्मच गरम मसाला। इन सभी को ग्रेवी में मिलाते हुए लटपट कर लीजिए। ऐसे बनी हुई सब्जी किसी भी शाही सब्जी से कम नहीं लगती है। ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। आपको ग्रेवी को जितना पतला रखना है उतना पानी इसमें ऐड कर लीजिए। घर पर कोई पार्टी या फंक्शन हो या फिर अचानक से मेहमान आ जाए तो आप घर पर रखी हुई सब्जी से ऐसी मिक्स वेजिटेबल वाली सब्जी बना सकते हो। इसे 1 मिनट और ढक दीजिए। सब्जियों में जो भी कसर होगी वो निकल जाएगी और जो हमारी सब्जी है वो झटपट से बन जाएगी। ये बनकर तैयार है मुंह में पानी ला देने वाली ग्रेवी वाली मिक्स वेजिटेबल की सब्जी। इसे आप वेज हंडी भी कह सकते हो। ये सभी सिंपल सी सब्जी हमारे घर में ही होती है, उनसे इस तरह की शाही सब्जी आप बना सकते हो। पूरी हो, पराठे हो या फिर रोटी के साथ इसे सर्व कीजिए। इसका स्वाद इतना बेहतरीन है कि सभी आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज के लिए।